नमस्कार, कशिश न्यूज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शमा सुहेल और आप देख रहे हैं गर्दा झारके। बिहार में इस साल भी मुजफ्फरपुर जिले समेत कई जिलों में AES यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहर बनकर टूटा है। स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंसेफ्लाइटिस से इस वर्ष अब तक 46 बच्चों की मौत हो चुकी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं इंसेफ्लाइटिस किन कारणों से होता है। बिहार में मुजफ्फरपुर और गया में इस बीमारी का प्रकोप बहुत ही ज्यादा है। 1 से लेकर 15 साल तक के बच्चों में यह बीमारी ज्यादा फैलती है। आपको बता दें कि वयस्क भी इसकी चपेट में आते हैं। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जुलाई से अक्टूबर तक होती है, लेकिन शुरुआत जून से ही हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या पिछले कई वर्षों से जारी इस मौत के कहर पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि हर वर्ष इसका कहर खत्म होते ही प्रशासनिक और राजनीतिक अमला इसे पूरी तरह से भूल जाता है और अगले साल तक इस पर कोई चर्चा नहीं होती, तब तक जब तक इंसेफ्लाइटिस फिर से दस्तक ना दे दे।